राज्यसभा चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। इस माह में राज्यसभा चुनाव हो सकते हैं। जी हां, भारत निर्वाचन आयोग इसके लिए एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर चुका है। चुनाव को लेकर दो बार यहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई है। राज्य निर्वाचन विभाग ने इसके लिए फिलहाल समय मांगा है। आपको बता दें कि चुनाव के लिए कम से कम 14 दिन का समय उनके द्वारा मांगा गया। प्रदेश की 3 सीटों के लिए चुनाव होने वाले हैं। 3 सीटों के लिए 4 नामांकन दाखिल हुए। आपको बता दें कि केसी वेणुगोपाल कांग्रेस से और नीरज डांगी भी कांग्रेस से, भाजपा से राजेंद्र गहलोत और ओंकार सिंह लखावत उम्मीदवार हैं। और इसी खबर पर एवन संवाददाता दिनेश कसाना अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दिनेश, राज्यसभा की जो सीटें थी उनके नामांकन दाखिल पहले हो गए थे और असमंजस की स्थिति थी कि कब चुनाव होंगे, उसके बारे में आज एक महत्वपूर्ण खबर आई है। क्या पूरी अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए जयती, प्रदेश में 3 राज्यसभा की सीटों के लिए चुनाव होने हैं। उसके लिए हालांकि चुनाव आयोग की ओर से पूरी कार्यक्रम घोषित कर दिया गया था चुनाव का, लेकिन कोरोना वैश्विक महामारी के चलते जो 26 मार्च को चुनाव मतदान को कार्यक्रम घोषित किया गया था वो पोस्टपोन किया गया और कोरोना वैश्विक महामारी के चलते, हालांकि आगामी जो कार्यक्रम है चुनाव आयोग की ओर से वो अभी तक जारी नहीं किया गया। लेकिन जिस तरह के जानकारी मिल पा रही है कि चुनाव आयोग ने राज्य निर्वाचन विभाग के साथ अभी लॉकडाउन की जो पीरियड है इसी में 2 बार VC की, और VC के जरिए तमाम जो जानकारी है राज्य निर्वाचन विभाग की ओर से वो जुटाई है और राज्य निर्वाचन विभाग ने चुनाव के लिए 14 दिन का समय भी मांगा है। हालांकि नॉमिनेशन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, अभी लिफाफेबंद पूरी प्रक्रिया है और उसके बाद मतदान की प्रक्रिया होगी। जिस तरह की जानकारी मिल रही है कि अभी इस माह के अंत तक राज्यसभा के चुनाव हैं वो लगभग हो जाएंगे। ऐसे में अभी जिस तरह के चुनाव आयोग की ओर से चुनाव कार्यक्रम घोषित किया गया था उसमें 17 राज्यों की 55 सीटों पर राज्यसभा के चुनाव होने हैं। राजस्थान में भी 3 सीटों पर चुनाव होने हैं, जो पहले से बीजेपी के पास 3 सीटें थी, विजय गोयल, रामनारायण डूडी और नारायण पंचारिया, उनका कार्यकाल 9 अप्रैल को समाप्त हुआ था जिसके लिए ये चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी के भी 2 उम्मीदवार और कांग्रेस ने भी 2 उम्मीदवार इसके लिए चुनाव मैदान में उतारे हैं। हालांकि नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, बीजेपी की ओर से राजेंद्र गहलोत और ओंकार सिंह लखावत चुनाव मैदान में है, तो वही कांग्रेस की ओर से केसी वेणुगोपाल और नीरज डांगी चुनाव मैदान में। देखिए पूरा, हालांकि राज्यसभा की 3 सीटें हैं और उम्मीदवार 4 हैं, तो पूरा मामला पूरा रोचक है। ऐसे में संभावना है कि इसी महीने के आखिर तक राज्यसभा के चुनाव की जो तारीख है वो निर्वाचन विभाग की ओर से घोषित कर दी जाएगी और जल्द ही जो मतदान प्रक्रिया है वो होगी। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया दिनेश।